पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राव फैंस के साथ लड़ाई के बाद विवाद में फंस गए। हारिस को आपसी झगड़े में इंडिया का नाम लेना भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, जिसके लिए उन्हें चौतरफा आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। खुद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी और खेल से जुड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी हारिस को इंडिया का नाम घसीटने पर गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि हारिस ने अपनी गलती मान ली है। जैसे ही ये वीडियो बाहर आया, मोहम्मद रिजवान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी, न जाना न कुछ बूझा और इंडिया का नाम घसीट दिया अपने ट्वीट में, जिसके बाद रिजवान को सोशल मीडिया पर भी भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बात बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। रिजवान भाई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, मामले का अता है न पता है और जबरदस्ती इंडिया का नाम घुसा दिया, जिसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर वो ट्रोल हो रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज के एंकर वसीम बदामी ने ऑन एयर कहा कि हारिस ने अपनी गलती मान ली है। वसीम ने कहा कि मेरी उनसे बात हुई है, हारिस को इस बात का यकीन है कि वो फैन पाकिस्तानी है। उस वक्त फ्लो में ये बात उन्होंने कह दी, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शो में बैठे एक्सपर्ट ने भी माना कि हारिस राव को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हाल ही में हारिस राउफ का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक फैन के एक ग्रुप से भिड़ते नजर आए। हारिस अपनी पत्नी के साथ थे और काफी गुस्से में नजर आए, वो चप्पल उतारकर उसे मारने तक दौड़ पड़े थे। हारिस ने इस दौरान फैन से चिल्लाकर कहा कि ये तेरी इंडिया नहीं है। बाद में उन्होंने एक्स पर इसके बारे में बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि जब बात परिवार पर आए तो ऐसी प्रतिक्रिया लाजमी है। वहीं वायरल वीडियो के जरिए यह भी दावा किया जा रहा है कि फैन ने सिर्फ एक सेल्फी मांगी थी, जिस पर हारिस भड़क गए। वहां मौजूद लोग हारिस को रोकते हुए भी नजर आए। फैन के साथ लड़ाई के बाद हारिस को कुछ क्रिकेटरों का साथ मिला है, तो वहीं दूसरी ओर बिना बात के इंडिया का नाम घसीट कर आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। हारिस अब खुद इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए एक्शन लेने की बात कही है। पीसीबी फैन के खिलाफ एक्शन ले सकती है। पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि यदि शख्स ने माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। टीम के खराब प्रदर्शन के लिए उसे चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हारिस राउफ का कहना है कि फैन अपने विचारों के लिए स्वतंत्र है, लेकिन जब बात परिवार पर आएगी तो वो ऐसी ही प्रतिक्रिया देंगे। बहरहाल मोहम्मद रिजवान का या फिर हारिस राउफ का इंडिया का नाम इस विवाद में घसीटना कितना सही था, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की और स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स टाइम। मेरा नाम है आयुष मिश्रा, नमस्कार।